स्वर्ग बनाए खेल खेल में खेल खेल में। पहला वादा बूंद बूंद कर तेल बचाए तेल बचाए। जल है जीवन आओ सबको ये समझाए ये समझाए। दूजा वादा पेड़ों पर फूल खिलाए शुद्ध हवा से दुनिया को महकाए। एनर्जी देती हमको जीवन जीवन नहीं गवाना है। खोल कर हर पिंजरे को हमें हर पक्षी को उड़ाना है। एक संकल्प एक कसम आज हम उठाते हैं मातृभूमि की रक्षा में संरक्षण का दीप जलाते हैं। संरक्षण का दीप जलाते हैं। आँखों में है ख्वाब अनेकों इन बच्चों की रेल में दुनिया को हम स्वर्ग बनाए खेल खेल में खेल खेल में बदलो दुनिया। नमस्कार, मैं हूं विशाल और मैं हूं अनु और आपका स्वागत है एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन से भरे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है खेल खेल में बदलो दुनिया। खेल खेल में बदलो दुनिया। बोला अनु, फिलहाल तो मेरे चेहरे पे स्माइल दिख रही है लेकिन आज जब मैं स्टूडियोज आ रहा था तो मेरा दिल दहल गया। क्यों? एक सज्जन इतनी तेज गाड़ी मेरे बगल से निकाल गए, मैं डर गया। मैं सोच रहा था कि लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? सज्जन मतलब बोलने में सज्जन हुए ना। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। सच में कई लोग जानबूझकर गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं और फिर कहेंगे कि ये तो रोमांच है या एडवेंचर का नाम देते हैं। मैं कुछ ऐसे दोस्तों को भी जानता हूं जिनको लगता है कि कहीं पर भी आसान पहुंचने का तरीका ये है, इसलिए अंधाधुंध गाड़ी चलाओ। और शायद वो ये भूल जाते हैं कि ये सबसे खतरनाक है। और हद ये है साहब कि उनको ये सोच और ऐसी बातें गैर जरूरी लगती हैं। बीट दिस जनाब, सच्चाई तो ये है कि ये गैर जरूरी नहीं बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी है। और चलिए इन्हीं जरूरी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं ऐसी है एक जरूरी छोटी सी बात। आपने भी ये पंक्तियां कहीं पढ़ी होंगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पर कुछ लोग इस पंक्ति की सच्चाई को हवा में उड़ाकर सड़क पर अपने कारनामे दिखाने चल पड़ते हैं। इससे उन्हें ही नुकसान नहीं पहुंचता, पर जो लोग नियमों के अनुसार गाड़ी चला रहे हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए गाड़ी नियमों के अनुसार चलाइए और याद रखिए आपका घर पर कोई इंतजार कर रहा है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का ये खेल और सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारी आज की टीम्स को। सबसे पहले टीम शक्ति जो आई है सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू से। हमारी दूसरी टीम है टीम रक्षक जो आई है डीपीएस द्वारका दिल्ली से। साथ ही स्वागत हमारे स्कोरर बूंद का। वेलकम वेलकम। इसके साथ ही साथ स्वागत करते हैं हमारी उस ऑडियंस का जो हमारे पार्टिसिपेंट्स की प्रोत्साहन के लिए आज यहाँ मौजूद है। तो चलिए साहब शुभ से शीघ्र शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड जिसका नाम है कुछ कर दिखाना है। जी हाँ, ये राउंड एक परफॉर्मेंस बेस्ड राउंड है। इस राउंड में दोनों टीम्स यहाँ आएंगी और कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करेंगी। तो चलिए सबसे पहले टीम शक्ति आपकी बारी। दांत तेरी फिर खराब हो गया, हमेशा परेशान करता रहता है। उफ, क्या करूं? अरे उमेश, आज फिर अपने स्कूटर के साथ गप्पे मार रहे हो? उड़ा ले बेटा मजाक, कभी हमारा भी दिन आएगा। अरे यार, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था, क्या हुआ आज फिर रुक गया? और क्या, शादी की गोरी जैसे बिना नाच देखे आगे नहीं बढ़ती, वैसे ही परेशान किए आगे नहीं बढ़ेगा। उफ, क्या किया जाए। चल कहीं से मैकेनिक ढूंढ के लाते हैं। चल। क्या बात है, यहाँ आसपास कोई गर्लफ्रेंड रहती है क्या जो यहीं पे आके बिगड़ता है? हाँ हाँ, जरूर मिलेगी मुझे कोई गर्लफ्रेंड, हालत देखी है मेरी, आए दिन ऐसा लगता है अभी गया अभी गया। देख मैं जानता हूँ तेरी और मेरी तकरीबन तकरीबन उम्र एक ही है, पर तेरा मालिक तेरी नियमित सर्विस कराने में थोड़ी कंजूसी बरत जाता है। सही कह रहे हो यार, आज कराऊंगा कल कराऊंगा ये क्या क्या टालता रहता है। अभी धीरे बोल, तेरा मालिक आ रहा है। देख मैं तुझे बताता हूँ काम की बात, शायद इससे तेरे मालिक को भी समझ आ जाए। तो सुन, मैंने देखा है तुझे बहुत तेजी से चलाया जाता है, जबकि उन्हें पता नहीं है टू व्हीलर हो या थ्री व्हीलर, उसे तेजी से नहीं चलाना चाहिए क्योंकि इससे ईंधन की बहुत खपत होती है। जानता हूँ, मुझे बार बार रोक कर चलाने से तो मैं ज्यादा ईंधन पीऊंगा ही, खुद ही सोचे कि जितना तेज भागेंगे उतनी ही प्यास लगेगी,
इसलिए हमें तो 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा से ही चलाना चाहिए और ऐसे चलाना चाहिए कि ब्रेक का इस्तेमाल कम हो और बिना आवश्यकता के क्लच का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे भी ईंधन की खपत होती है। एयर फिल्टर में धूल भर जाने के कारण ये जल्दी घिसते ही नहीं बल्कि ईंधन भी अधिक पीते हैं, इसीलिए हमें हमेशा इसे साफ रखना चाहिए। टायरों में भी हवा कम हो तो बहुत ताकत लगती है यार, और सारा असर ईंधन पर पड़ता है और उसकी खपत ज्यादा होती है। अरे कितना काला धुआं निकालता हूं मैं, पर फिर भी मेरा मालिक मुझे गैराज लेकर नहीं जाता, बस कोई मैकेनिक ढूंढकर काम चलाओ काम करवा लेता है। पता है मुझे, अब तो उसे मैकेनिक भी देख के भाग जाते हैं कि मरे मुर्दे में जान पढ़ाने आ गया। तभी तो खाली आता है, मैकेनिक कहां मिला। यार मेरा स्कूटर मेरी कुछ ज्यादा इज्जत नहीं उतार रहा। कह तो सही है यार, लेकिन तू भी तो अपने स्कूटर को किराए की बैल की तरह इस्तेमाल करता है। तेरा ये स्कूटर है ना ये, और खराब रहने के कारण तेरा कितना पेट्रोल बर्बाद करता है, कभी सोचा है तुमने। सोच रहा हूँ यार, कहते हैं अगर ज्यादा देर रुकना हो तो इंजन बंद कर देना चाहिए, मैं तो इसलिए नहीं करता, और कहीं स्कूटर रुक गया तो फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए मेरे भाई इसकी नियमित जांच पड़ताल करवा और अपने ईंधन में सही ग्रेड का लुब्रिकेटिंग सही अनुपात में इस्तेमाल कर। अब वही करूंगा जो ये कहेगा, और फिर मेरा स्कूटर भी जवान रहेगा और कहेगा मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। ये हुई ना बात, अपने टू व्हीलर और थ्री व्हीलर वाहनों का भाई खुद ही रखना ख्याल, वरना बोल पड़ेंगे ये भी और रास्ते में करेंगे बुरा हाल। थोड़ा सा ख्याल, थोड़ा सा समय हम पर भी दो तो चलेंगे साथ सदा, करेंगे ऊर्जा और ईंधन की बचत और अपने देश के प्रति फर्ज करेंगे अदा। Well, टीम शक्ति ने अपनी तरफ से तो अपनी बात कह दी है, अब देखते हैं टीम रक्षक आपके साथ क्या शेयर करना चाहती है। टीम रक्षक, हम परियां और फरिश्ते धरती को छू ले, पंख फैलाए आसमान को छू ले, बस पवन के झोंके दिल को हमारे छुए, दिल करे आज धरती पर खुशियाँ मनाए, दिल करे आज धरती पर खुशियाँ मनाए। सखी रे सखी, चल नदी में नहाए, फिर धूप में बैठकर अपने पंख सुखाए। हाय हाय, ये नदी कितनी गंदी और काली हो गई है, इसमें नहाकर तो मेरे तन में दुर्गंध हो गई है। नदियों में इतना कूड़ा, फैक्ट्रियों का एसिड और कचरा, क्या सभी प्राणी यही बहाते हैं? इससे नदियों के जीव जंतुओं का होता है नुकसान, ये क्यों नहीं समझ पाते हैं? फैक्ट्रियों का धुआं, ट्रक लॉरियों के काले धुएं ने सारा वातावरण प्रदूषित कर दिया है, ऑक्सीजन का तो यहाँ कहीं अता पता ही नहीं है। चलो हम सब आसमान में उड़ेंगे, धरती पर तो गंदगी और प्रदूषण के अंबार से बहुत सी बीमारियों से घिरेंगे। चलो। अरे रुको, आसमान भी वायु प्रदूषण से काला हो रहा है। जरा सोचो, अब ना धरती रही ना आसमान रहने को, अब हम परियां और फरिश्ते कहां जाएं रोने को। चलो चलो, हम सब मिलकर पेड़ पर रहेंगे, उसी पर बैठकर दुनिया का नजारा लेंगे। अरे देखो देखो बहन, कहां है पेड़ रहने को, न जाने क्यों काटता है ये इंसान इन पेड़ों को। जरा सोचो, इंसान खुद ही अपने हाथों से अपनी दुनिया तबाह कर रहा है, पर फिर भी सुखी होने का दम भर रहा है। ना ऑक्सीजन है, ना पीने को साफ पानी, ऐसे में कैसे कटेगी ये जिंदगानी। कुछ सोचो समझो करो ऐसे काम, दुनिया में रहे ना प्रदूषण का नाम, दुनिया में रहे ना प्रदूषण का नाम। टीम शक्ति टीम रक्षक अपने अपनी बाजियां खेल चुके हैं, अब जाते हैं ऑडियंस के पास, बताइए टीम शक्ति के लिए क्या स्कोर है। और अब बताएं कि आप टीम रक्षक को कितने अंक देते हैं। बहुत ही बढ़िया जनाब, बहुत ही बढ़िया, शुरुआत इतनी अच्छी है तो आगे क्या होगा, बहुत जल्दी से बताइए कि इस राउंड का स्कोर क्या है। शक्ति टीम को मिलते हैं 490 पॉइंट्स और रक्षक टीम को मिलते हैं 470 पॉइंट्स।
तो ये रहा पहले राउंड का लेखा जोखा। आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक तो लेना ही होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। खेल खेल में बदलो दुनिया। आज है रहे ना रहे कल, सोच के इस्तेमाल कर इसे तू हर पल। रहे ना रहे कल, एक इशारा समझो ओ मेरे यारा, समझो तेरी हर आरज़ू के पीछे ये, तेरी हर जुस्तजू के पीछे ये, कर ले यकीन इतना भी नहीं कि तू मांगे जाए और देती रहे ये जमीन। इशारा समझो, एक इशारा समझो मेरे यारा, समझो मेरे यारा, समझो। Save oil, it's precious. आश्चर्य, आज भी लोग पैसा बचाने के लिए कैसे बेतुके तरीके अपनाते हैं, जबकि बचत का एक आसान तरीका है समझदारी से गाड़ी चलाना। गाड़ी की रफ्तार 45 से 55 के बीच रखें, ट्रैफिक की लाल बत्ती पर अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें। क्या इससे पैसे बचेंगे? पेट्रोल की बचत पैसे की बचत। खेल खेल में बदलो दुनिया। वेलकम बैक जनाब। अब हम बात करते हैं उन छोटे छोटे थॉट्स की जो दिखने और सुनने में जितने छोटे और मुश्किल लगते हैं ना, असल में उतना ही बड़ा रेवोल्यूशन ला सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अगले राउंड की, जो कि है एक क्लिपिंग बेस्ड बजर राउंड और जिसका नाम है दुनिया बदलने की बात। हरे भरे पेड़ पौधे और ये जंगल धरती को हमारे लिए उपवन बना देते हैं, फिर भी हम पेड़ों को काटते हैं। इसका मुख्य कारण है पेपर निर्माण उद्योग में लकड़ी का उपयोग। ऐसे में कागज निर्माण के लिए रॉ मटेरियल के रूप में लकड़ी का विकल्प ढूंढना आवश्यक है। पंजाब में होशियारपुर के एबीसी पेपर मिल ने इस दिशा में एक उत्तम विकल्प अपनाया है। यहां कागज निर्माण हेतु पल्प बनाने के लिए लकड़ी की बजाय एग्रोवेस्ट का उपयोग किया जा रहा है। एग्रोवेस्ट उन सभी पदार्थों को कहा जाता है जो कृषि कार्य के दौरान प्राप्त होते हैं और अनुपयोगी मान लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर फसल की कटाई के बाद किसान अनाज तो प्राप्त कर लेता है, पर उसके सामने एक बड़ा काम अनाज के अलावा फसल के अवशिष्ट को किनारे लगाना होता है। इस अवशिष्ट को एग्रोवेस्ट कहा जाता है। अक्सर इसका कोई उपयोग ना पाने पर किसान इस एग्रोवेस्ट को खेत में ही जला देता था, जिससे कई नुकसान होते थे। लेकिन अब इस अवशिष्ट के उपयोग के कई नए विकल्प उभर कर सामने आए हैं। किसान जब अपना वीट या अपना गेहूं या अपना धान काटता है, जो उसमें बाकी रहता है उसको जला देता है, जिसके जलने से फिर प्रदूषण या पर्यावरण में को क्षति पहुंच सकती है। उतना ही नहीं, उससे जलाने से जो लैंड में बैक्टीरिया होते हैं, जो ज़मीन में बैक्टीरिया होते हैं, जो काफ़ी ज़रूरी हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो भी मर जाते हैं, और जिसके चलते जो ज़मीन है वो भी ख़राब, उसको भी क्षति पहुंच जाती है। लेकिन हम किसानों को ये कहते हैं कि सब ये हमको दे दीजिए और हम आपको पैसा दे देंगे, जिसके चलते उनको पैसा मिलता है, उनको रुपया मिलता है और हमको रॉ मटेरियल मिलता है। एबीसी पेपर मिल के प्रयत्नों के कारण जिस एग्रो वेस्ट को किसान कूड़ा करकट समझकर जला दिया करता था, अब वही उसके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। अब किसान फसल काटने के बाद एग्रो वेस्ट को ट्रकों में भरकर सीधे पेपर मिल तक पहुंचा देते हैं। यहां बेहतर तकनीक के इस्तेमाल से इस एग्रो वेस्ट से ही पेपर निर्माण के लिए पल्प बनाया जाता है। एग्रो वेस्ट से पेपर बनाने की प्रक्रिया वैसी ही है जैसे वुड पल्प के उपयोग से। कई चरणों के बाद अंत में प्राप्त होता है एग्रो वेस्ट द्वारा बना इको फ्रेंडली पेपर। इस विकल्प के अपनाने के कारण आज दोहरा फायदा मिल रहा है। एक ओर कागज बनाने के लिए पेड़ों की कटाई नहीं हो रही, जिससे हमारे वन सुरक्षित हैं, दूसरी ओर
जो एग्रो वेस्ट पहले किसान के लिए कूड़े के समान था, उसे बेचकर अब वो अच्छी आमदनी पा रहे हैं। एबीसी पेपर मिल प्रति वर्ष लगभग 20 करोड़ रुपए का एग्रो वेस्ट आसपास के किसानों से खरीदता है। एग्रो वेस्ट खरीदने की प्रक्रिया भी इस प्रकार अपनाई गई है, जिससे कुल कीमत का 95% सीधे किसानों के हाथ पहुंचता है। संक्षेप में अगर हमको आप पूछेंगे हम क्या करते हैं, हमारा एक्टिविटी है सब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू कन्वर्ट ट्रैश इनटू कैश। पेपर मिल में आज गेहूं और चावल के अलावा जंगली घास, काही, सरकंडा आदि के अवशिष्ट भी काम में लाए जा रहे हैं। ये सराहनीय कदम पेपर उद्योग को इको फ्रेंडली बनाने की दिशा में निश्चित ही एक नए युग का शुभारंभ है। टीम्स, उम्मीद है कि आपने स्लिपिंग को गौर से देखा होगा, क्योंकि इसी पे बेस्ड है हमारे सवाल। आपसे पूछे जाएंगे 3 सवाल, हर सही जवाब को मिलेंगे 100 अंक। ये एक बजर राउंड है, लेकिन सवाल खत्म होने से पहले बजर ना दबाएं, वरना वो सवाल दूसरी टीम के पास चला जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इस राउंड की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो प्लीज कोशिश जरूर कीजिएगा, जितना पूछा जाए उतना ही बताइएगा। ऑल सेट, हियर वी गो। एग्रो वेस्ट किसे कहते हैं? शक्ति, एग्रीकल्चर यूजेस के बाद जो वेस्ट निकलता है, फार्मर्स जो वेस्ट निकालते जो हैं, हस्क निकालते हैं, हस्क निकालते हैं, उसे एग्रो वेस्ट कहते हैं, जिसे वो वेस्ट मानते हैं, जिसे वो वेस्ट मान के जमा देते हैं। एग्जैक्टली राइट आंसर, 100 पॉइंट। वो पदार्थ जो कृषि कार्य के दौरान प्राप्त होते हैं और अनुपयोगी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्रो वेस्ट जलाने से क्या हानि होती है? टीम रक्षक, एग्रो वेस्ट जलाने से प्रदूषण होता है और जो लैंड है उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं, इसके कारण जो जमीन होती है उसमें भी 100 पॉइंट जीत लोगे। राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, एग्रो वेस्ट खरीदने की प्रक्रिया में किसानों का ध्यान कैसे रखा गया है? शक्ति, एग्रो वेस्ट खरीदने के दौरान उन्होंने ये ध्यान में रखा है कि 95% जो शेयर है वो किसान को डायरेक्ट वो दिया जाएगा, जो 95% कॉस्ट होगा वो किसान को बहन दिया जाएगा। 100% मार्क्स मिलेंगे। राइट आंसर। इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है जिससे कुल कीमत का 95% सीधे किसानों के हाथ पहुंचता है। वेरी गुड। बूंद, हमने तो अपने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया, अब आप बताएं किसानों के स्कोर्स क्या। शक्ति टीम को मिलते हैं 200 पॉइंट्स और रक्षक टीम को मिलते हैं 100 पॉइंट्स। मुकाबला बहुत अच्छा चल रहा है, मगर चलिए अब इसे थोड़ा सा और मजेदार बनाते हैं और एक्साइटिंग बनाते हैं, और वो सब करने से पहले फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कमाल हो गया, यूरेका यूरेका, मैंने एक नया फार्मूला खोज निकाला है। अगर हम राजमा, चने, चावल, दाल वगैरह सारी रात पानी में भिगो कर रखें तो हम 20% तक रसोई गैस बचा सकते हैं। चुप, मैं PhD कर रहा हूँ और आप हंस रही हैं। लेकिन ये फॉर्मूला तो बहुत पुराना है, हमारी दादी ने हमें बताया था। मेरी दादी ने मुझे बताया ही नहीं, इसका मतलब उसे साइंस नहीं आती थी। साइंस तो आपको भी नहीं आती। राजमा, चने, दाल रात भर भिगो कर प्रेशर कुकर में बनाइए, इससे आपका टाइम, ईंधन और पैसा बचेगा। Imagine a world without oil. Save oil, it's precious. मैं इस खानदान को बर्बाद करके रख दूंगी। मैं रसोई गैस फिजूल खर्च करूंगी। होता डायलॉग किसने लिखे? मैंने सर, फिजूल गैस इस्तेमाल करने से कोई भी फैमिली बर्बाद हो सकती है। खेल खेल में बदलो दुनिया। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत। चलिए शुरू करते हैं हमारा तीसरा और निर्णायक राउंड, जिसका नाम है देखो मगर ध्यान से। टीम्स, ये असल में राउंड का नाम नहीं, आपके लिए हिदायत है। हम आपको एक फोटोग्राफ दिखाएंगे, एक फोटो क्लिप दिखाएंगे किसी सेलिब्रिटी के बचपन या जवानी के दिनों की। आपने उस क्लिपिंग को पहचानना है, और इस राउंड की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप चाहें तो बहुत सारे अंक बटोर सकते हैं, और आप चाहें तो
नेगेटिव मार्किंग के जरिए अपने अकाउंट में से निकाल भी सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान तो रखना ही होगा। मगर मैं आपको ये बता दूं कि पॉइंट्स कैसे लेंगे। हम आपको दिखाएंगे एक फोटो क्लिप, अगर आपने उसे तभी पहचान लिया तो हम आपको देंगे +200, गलत जवाब -100। नहीं बता पाए तो पहला क्लू +150, गलत जवाब -50। तब भी नहीं बताया तो दूसरा और आखिरी क्लू यानी +100 और -50। और ये है एक बजर राउंड। ऑलराइट, तो बजर सोच समझ के दबाइएगा। आइए देखते हैं ये फोटोग्राफ। Well, this could be anybody, and believe me, anybody, because इस उम्र में सभी एक जैसे दिखते हैं। जानी पहचानी शक्ल थी वैसे। टीम रक्षक, टीम शक्ति। मुझे लगता है हमें पहले क्लू की तरफ बढ़ना पड़ेगा। पहले था तो फर्स्ट क्लू। ओके, तो इन्होंने आपस में राय कर ली है। पहला क्लू आप बता दें। आज उनकी अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी है। इफ दिस कुड हेल्प। नहीं, आपकी तरह के लिए बता दें कि अगला क्लू इज अ गिव अवे। बस वो खाली नाम बताना नहीं, बाकी सब कुछ बताना होगा। तो उसमें काफी फाइट हो सकती है, इसलिए आप अभी चांस उठाना चाहें तो उठा लें। Let's go for the clue number two. वो दिल्ली छोड़कर मुंबई में जाकर बस गए हैं। इससे पता चल रहा है कि आप लोगों का ध्यान पढ़ाई में कितना होता है। मतलब पता कोई फिल्म से है। चलिए हमें आपको बताना पड़ेगा। ये 200 अंक अनुज जी अपने पास ही रखेंगी। अनुज जी बता दीजिए। ये हस्ती हैं शाहरुख खान। अब पछतावा हो रहा है, जो पॉइंट्स गए तो गए, बट अब हम आपको एक चांस और देते हैं 300 पॉइंट्स जीतने का। यानी तीन सवाल, हर सवाल के सही जवाब पर 100 पॉइंट और माइनस कुछ भी नहीं। बजर राउंड है, नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन सवाल खत्म होने का इंतजार जरूर कीजिएगा। तैयार है? तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। शाहरुख फिल्म मेकिंग की कौन सी फॉर्मल ट्रेनिंग का हिस्सा बने? रक्षक, ड्रामा एक्टिंग। एक्टिंग, सॉरी, टीम शक्ति। ट्राई करना चाहेंगे? नो वे, आई मीन नो अटेम्प्ट। चलिए हम आपको बताते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन के फिल्म मेकिंग के कोर्स में उन्होंने पढ़ाई करी, मगर एक साल के बाद ही उन्होंने ये कोर्स छोड़ दिया। खैर, सवाल नंबर दो। दिस शुड बी हर्ड वेरी केयरफुली। शाहरुख को किस वर्ष में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? शक्ति, 2004। नो। टीम रक्षक, वुड यू लाइक 2005? चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। ध्यान से सुनिएगा। बताइए कि पढ़ाई के दिनों में शाहरुख ने किन तीन खेलों में एक्सेल किया? रक्षक, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। वाज इट अ गेस? वाज इट अ गेस? हॉकी वाज अ गेस। हॉकी वाज अ गेस। 100 पॉइंट्स आर फॉर श्योर। वेल भाई, इनकी एक्साइटमेंट तो मुझे लगता है बढ़ती जा रही है। मगर बूंद, आप भी अब जल्दी से जरा बता दें कि इस राउंड के स्कोर क्या रहे। शक्ति टीम को मिलते हैं 0 पॉइंट्स, बक अप, और रक्षक टीम को मिलते हैं 100 पॉइंट्स। तो साहब, ये था इस राउंड का लेखा जोखा और टोटल फाइनल स्कोर। जानने से पहले हमें एक बहुत जरूरी काम करना है, और वो ये कि वो दोस्त जो घरों में बैठे हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, आपसे मुखादिमा साहब कागज कलम उठाएं। आपके लिए हमारा आज का सवाल है, इनमें से कौन सा लक्षण खून में कमी के कारण होता है? थोड़ी सी मेहनत पर अधिक थकान महसूस होना, आंखों और त्वचा का पीलापन होना, नाखूनों के चम्मच जैसे आकार का होना, या फिर इनमें से सभी? आपके जवाब हमें एक सप्ताह के भीतर मिल जाने चाहिए। हमारा पता है PCRA 10 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066। आप हमें 9811771717 पर SMS भी कर सकते हैं। हमारे एपिसोड नंबर 135 के सवाल का सही जवाब है माँ के पहले दूध को जन्म से 2 से 3 दिन तक। और सही जवाब भेजकर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ओर से इनाम पाने वाले भाग्यशाली विजेता हैं। आज का इनामी पत्र हमें भेजा है अमृता कुशवाहा ने करनपुर देहरादून उत्तरांचल से। वेल, सो हियर कम्स द मोमेंट जहां पे हमें पता चलेगा कि
जम्मू की बर्फ पिघली है या दिल्ली वालों की गर्मी फैल रही है। बूंद बताएं कि हमारे आज के फाइनल स्कोर्स क्या है। शक्ति टीम को मिलते हैं 690 पॉइंट्स और रक्षक टीम को मिलते हैं 670 पॉइंट्स। ओकी डोकी, आज की हमारी विजेता है टीम शक्ति। मगर रक्षक, आपको भी मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने बहुत अच्छा एफर्ट किया एंड यू आर आर विनर नंबर टू। हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ओर से ये आकर्षक इनाम। हमारे साथ हमारे इन बहुत ही बेहतरीन पार्टिसिपेंट्स की हौसला अफजाई के लिए आज यहाँ मौजूद हैं श्री आर के ओझा जी, डिप्टी सेक्रेटरी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। वेल दोस्तों, हमारे इन टीम्स की एक्साइटमेंट देखकर तो हमें लगता है कि एक्साइटमेंट आप तक भी जरूर पहुंची होगी, और अगर पहुंची है तो उसे जरूर पत्रों द्वारा, ईमेल या एसएमएस या फोन कॉल द्वारा हमें सूचित करें, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल इसी नोट पर हम आपसे लेते हैं इजाजत, होती है अगले हफ्ते आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।